एक महल हो सपनों का, एक महल हो सपनों का। जमुना, जमुना सुनो तो, मुझे कुछ पूछना है। पिछले आधे घंटे से मैं सुन रहा हूँ कि मुझे कुछ पूछना है, मुझे कुछ पूछना है। अरे तुम्हें क्या पूछना है मेरी माँ? पूछूं? हाँ। नहीं, मुझे शर्म आती है। तो रहने दो, मैं जाता हूँ। नहीं नहीं पूछती हूँ। जमुना। हाँ। हम दोनों हनीमून के लिए कहाँ जा रहे हैं? ओ, हनीमून? शिरडी जाएं? शिरडी? हाँ। जमुना, तुम जरा भी रोमांटिक नहीं हो। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। अरे अच्छा चलो, मैं रोमांटिक होके पूछता हूँ। हाँ। ए, क्या बोलती तू? ए, क्या मैं बोलू? सुन। सुना। आती क्या शिरडी को? क्या करूं आके मैं शिरडी को? अरे दर्शन करेंगे, प्रसाद खाएंगे, वापस आएंगे और क्या। वापस? हाँ। और हनीमून? अरे हनीमून को तो रात का प्रोग्राम होता है ना, एक दिन सुबह जाएंगे, दूसरे दिन सुबह वापस। दूसरे दिन वापस भी? हाँ। तो देखो ना, घर की सारी औरतें थक जाएंगी तो वो भी बिजी रहेंगी, तो खाना तो पकाना पड़ेगा कि नहीं? तुम और तुम्हारा काम, हनीमून से ज्यादा तुम्हें काम की पड़ी है। अरे तो इस घर का नमक खाया है मैंने, काम तो करना पड़ेगा कि नहीं? इस घर की सेवा करना मेरा फर्ज है। तुमने नमक खाया हो या मिर्ची, शादी क्या बार बार होती है? एक ही बार होती है और हनीमून भी एक बार। और जहाँ लोग दर्शन करने जाएंगे वहाँ हम हनीमून मनाएंगे तो कैसा लगेगा? और फिर पन्ना भाभी ने भी कहा है कि एक दो हफ्ते घूम कर आओ। जमुना, काम तो होते रहेगा लेकिन। अच्छा एक मिनट, मैं सोचता हूँ। एक काम करते, राजू भैया और अभय भैया के साथ चले जाते हैं, तो उनका काम भी होगा और हमारा हनीमून भी, दोनों की बात रह जाएगी। मेरे स्वामी भक्त, राजू भैया और अभय भैया अमेरिका जाएंगे तो क्या हम भी उनके पीछे पीछे अमेरिका जाएंगे? माँ जी ने शादी का खर्चा तो उठा लिया, अब हनीमून का भी खर्चा उनसे ही मांगोगे? नहीं नहीं, तुम्हारी बात सही है। एक काम करते, दो तीन बच्चे हो जाने दो, बाद में जाएंगे। दो तीन बच्चों के बाद? हाँ, तो उन्हें भी शिकायत ना हो ना कि हमारे मम्मी पापा हमें लेकर नहीं गए, उनको साथ लेके जाएंगे तो कितना अच्छा लगेगा। जमुना, अरे जा, मैं तुमसे बात नहीं करती। अरे सुनो तो, सुनो तो। अच्छा मैं रोमांटिक होता हूँ। ए आती क्या खंडाला? मामा जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ भाई, कहाँ खो गए हो तुम? हाँ, ऐसा लगता है दुनिया में तुम एक ही हो जिसकी शादी होने वाली है। जब से शादी की तारीख तय हुई है किसी काम में तुम्हारा मन ही नहीं लगता। हाँ, ध्यान नहीं रहता मामा जी, क्या करूँ क्या। हाँ मतलब सच कहूँ ना तो कोई भी काम करने जाता हूँ तो शादी के काम याद आ जाते हैं। ओहो, शादी में इतने कितने काम होते हैं भाई। मामा जी, मैं ना सब कुछ परफेक्ट करना चाहता हूँ। अब देखिए ना, आपसे मिलने आ रहा था तो मुझे बीच में याद आ गया कि वो बैंड वाले को बताना तो मैं भूल ही गया हूँ कि भारत में कौन से गाने बजाने हैं। इतनी टेंशन है। ये भी तुम ही करोगे? क्या करूँगा, शादी मेरी है, मुझे ही सब कुछ करना पड़ता है ना। मामा जी प्लीज, आप कोई गाने सजेस्ट कीजिए ना। देखो दो तीन है मेरे ध्यान में, उस टाइप के शादी के मौकों पर गाया जाता है ना, दुल्हन तू दूल्हा मैं बन जाऊंगा, या फिर वो सपने में है मिलती कुड़ी मेरी, वो है लेटेस्ट गाना है, और एक वो सोना सोना, फिर वो आज मेरी यार की शादी है। शादी तुम्हारी है तुम्हारे यार की? क्यों, थोड़ी देर में घोड़े से उतर जाऊंगा और अभय के लिए नाचूंगा, तब ये गाना बजाने के लिए कहूंगा आज मेरी यार की शादी। नाचने का इतना अच्छा मौका मैं गवा थोड़ी सकता हूँ, और उसमें भी नागिन डांस तो मेरा फेवरेट है। नागिन डांस पे कोई गाना याद है आपको? नागिन नागिन नहीं, मैं मीनू से डिस्कस कर लूंगा। तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं काम की बातें कर रहा हूँ और तुम्हें डांट रहा हूँ कि तुम काम नहीं करते, इसके बावजूद भी ये सब बातें तुम मेरे सामने कर रहे हो। सॉरी मामा जी। मामा जी, मेरी शादी में आपको भी नाचना पड़ेगा। हा? तुम्हें सुनाई नहीं देता, पहले काम की बात सुनो। पहले आप प्रॉमिस कीजिए कि आप भी नाचेंगे। ओह, मैं तुम्हारी शादी पोस्टपोन करवा दूंगा। पोस्टपोन? ओ, फिर तो तैयारियां तब तक चलेगी और तब तक कुछ काम होगा नहीं। पर मामा जी, क्या आप भी काम 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 लगाए रखे हैं। मैंने तो सोचा था मेरी शादी में सबसे ज्यादा खुश आप होंगे, और आप हैं कि एक गाना भी सजेस्ट नहीं कर रहे हैं मुझे। अच्छा अच्छा, चल मैं सजेस्ट करता हूँ। वो कौन सा गाना था वो? हाँ, बाबुल की दुआएं लेती जा। नहीं मगर मैं कहाँ जाने वाला हूँ? अरे हम तो कन्यादान करने वाले हैं, मैं तो यही गाना बजाने के लिए कहूंगा। नहीं, कन्यादान गौरी। ओ मामा जी, देखा
आप गौरी के बारे में सोचते हैं, मेरे बारे में तो कुछ सोचते ही नहीं है। आपको ना मेरे सपनों की, मेरी इच्छाओं की कोई कदर ही नहीं है। तुम्हें कहा है मेरी कदर? मैंने तुम्हें एक काम सौंपा था, मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे डॉक्यूमेंट्री बनानी है, क्या हुआ उसका? बस हो गया समझो। देखा देखा, पहली बार तुम्हारा काम सही वक्त पर नहीं हुआ है। कितना अच्छा मौका था, शादी की धूमधाम में ये डॉक्यूमेंट्री रिलीज भी हो जाती, कितनी बड़ी बड़ी हस्तियां आने वाली हैं शादी में। आई एम सॉरी मामा जी। मामा जी डोंट वरी यार, बन जाएगी डॉक्यूमेंट्री, डोंट वरी। देखो मेरे पास एक बहुत बढ़िया आइडिया है, डॉक्यूमेंट्री की बिगिनिंग करेंगे मेरी और गौरी की शादी से, ठीक है? या फिर नहीं, उससे भी पहले जाते हैं, जब पहली बार मुझे और गौरी को फील हुआ था कि हमें एक दूसरे के लिए प्यार है, वहीं से शुरुआत करेंगे, ओके? क्यों, ये तुम्हारी लव स्टोरी है, नानावड़ी खानदान की डॉक्यूमेंट्री है, तुम तो बिल्कुल पगला गए हो राजू। सुनो, मैं तुम्हें कहता हूं कि बिगिनिंग कैसे करनी। सबसे पहले रिद्धि, सिद्धि और पुरु तीनों गार्डन में खेल रहे हैं, एकदम निश्चिंत होकर खेल रहे हैं, सेफ एंड सिक्योर। दिस इज द फ्यूचर ऑफ नानावटी, और कैप्शन होगा वेयर देयर इज नानावटी द फ्यूचर कम्स फर्स्ट। कल सिद्धि टीवी देखकर कमर पे यूं हाथ रखकर नाचने लगी, और सिद्धि को देखकर रिद्धि हाथ उठाकर नाचने लगी यूं। उस दिन भी देखो ना, दोनों ऑफिस चली गई थी, बाबूजी की कुर्सी पर बैठकर बाबूजी की तरह बर्ताव करने लगी। जब बाबूजी लेने गए तो दोनों रोने लगे, बाबूजी सारा दिन सामने की कुर्सी पर बैठे रहे। मुझे लगता है दोनों बिजनेस करेगी, किचन में पांव नहीं रखेगी, किचन में पांव रखते ही रो पड़ती है। अरे पन्ना, तुम अपने प्ले ग्रुप में क्यों नहीं बिठाते? अरे अभी उतनी बड़ी तो होने दो, अभी वो घर के लोगों के साथ खेलेगी, बाद में हमारे प्ले ग्रुप में। तुम क्या बता रहे थे, टीवी पर क्या देख रही थी? कोई काउंटडाउन शो था, मैं तो देखते ही रह गया कि इतनी छोटी बच्चियों को नाचने का कैसे सूझता है। वो हमें ध्यान रखना होगा। अभी हमारे प्ले ग्रुप का एक किस्सा सुनो। एक लड़का है नीरव करके, वो मुझे पास आकर पूछता है, टीचर अभी तुम्हारे घर में किसी का खून हो गया है ना? ये इतने छोटे बच्चे को किसने कह दिया? मैं भी यही जानकर हैरान सी हो गई कि किसने बताया इसे। मैंने कहा नहीं, वो तो उनके साथ अकस्मात हो गया था, तो मुझे कहने लगा नहीं मुझे पता है, किसी गुंडे ने उन्हें गोली मार दी थी। मुझे बड़ा दुख हुआ कि इन बच्चों को वायलेंस, इन गुंडों की बातों से दूर क्यों नहीं रखा जाता। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है पन्ना, उन्हें कौन से टीवी प्रोग्राम देखने चाहिए या नहीं देखने चाहिए ये हमें तय करना होगा, और उनके सामने कुछ भी बोलने से पहले दो बार सोचना होगा। प्ले ग्रुप से मुझे सबसे बड़ा फायदा यही हुआ है, मैं बच्चों को अच्छी तरह देख समझ पा रही हूँ, मैं उन्हें अच्छे संस्कार देना चाहती हूँ, और इसलिए उनके माँ बाप का भी उस ओर ध्यान खींच रही हूँ। बड़ा अच्छा काम कर रही हो तुम। अब मैं प्ले ग्रुप में बहुत ध्यान दे रही हूँ, सचमुच बड़ा मजा आ रहा है। ए अटेली, सटक गया क्या, ये अकेले अकेले काय को हंस रही है? बस यूं ही मन में एक ख्याल आया तो हंसना आ गया। अच्छा, क्या ख्याल आया? यही कि कुछ दिनों बाद मैं अपने घर में ये काम करूंगी, और फिर पीछे से जमना आएगा, मेरी आंखें बंद करेगा, और मैं कहूंगी जमना। है ना सटकेली, अब जब तेरी आंख बंद होगी तो तुझे कैसे पता चलेगा कि पीछे जमना खड़ा है? तेरे पीछे भी आग लगी है क्या? जब तू प्यार करेगी ना तब तुझे पता चलेगा। देख बिड़ो, अपन का बात छोड़, तेरा बात कर, तेरी शादी है, पता क्या है तेरा पीलान वीलान? कैसा प्लान? अरे भाई, जैसे अभी तू बोल रही थी कि वो काम से आएगा, अगर उसने काम से आके तेरे को बोला कि चल पानी दे, तो तू क्या करेगी? तो पानी दूंगी। और बोलेगा खाना लगा तो क्या करेगी? तो खाना लगाऊंगी। और अगर उसने आके बोला कि पैर दबा, तो क्या करेगी? सब करूंगी। अगर थक गई तो तुझे बुला लूंगी, पर उसे काम नहीं करने दूंगी। हाँ, मेरे को मालूम था तू ऐसा ही कुछ हेड़ा जैसा बोलेगी, तुझे बुला लूंगी, मैं काम कर लूंगी, इसीलिए अपन तेरे को समझा रहे लाए। काय को करेगी तू सब काम, नौकर है तू उसकी? अरे सब काम नहीं करने का, अभी से कंट्रोल रखने का क्या? नहीं, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगेगा। देख बिड़ो, अगर अभी से काम करेगी ना तो अक्खा जिंदगी काम ही काम रहेगा,
और अगर अभी से कंट्रोल में रखेगी ना तो पूरी जिंदगी राजिच राज है। तेरे को क्या मांगता है? काम के राज। काम चल, ना ही तेरी ना ही मेरी, अपन मांडवली करता है। हाँ हस्ती क्या है, दोनों को आधा आधा काम करने का मंजूर? नहीं, सारा काम मैं ही करूंगी। अरे तू तो एकदम बुद्धू की बुद्धू है, वो लंगूर को अपन जाके समझाएगा तो वो समझ जाएगा, और अगर नहीं भी समझा ना तो खर्चा पानी मिलेगा ना, सीधा हो जाएगा। लेकिन तेरे को सब काम नहीं करने का, क्या समझी ना? राम भी मुझे एक बात बता। हाँ। तू मुझ पर इतनी मेहरबान क्यों हो रही है? अब देख, एक छावी दूसरी छावी की मदद नहीं करेगी तो और कौन करेगा? अब जाके मैं तेरे लंगूर को समझाती हूँ, तू सोच। आप कैसे? बस ठीक हूँ। और समीर भैया सब ठीक है? अक्षय वो भी अच्छा है। कितने दिनों के बाद मिले, तुम लोगों को याद करके दिन बिताती हूँ। हम लोग भी आपको बहुत मिस करते हैं। अक्षय को क्यों नहीं लाए? वो सब बाद में, पहले मेरी तरफ से कांग्रेचुलेशन। किस लिए? अरे स्टूपिड, तेरी शादी होने वाली है इसलिए। सुना है आजकल तेरा राजकुमार बहुत बदल गया है। दिखाई नहीं देता है, कहाँ वो? अरे ऑफिस गया है, तो सब याद ही होगा है ना? लो, दूल्हे का नाम लिया और दूल्हा हाजिर है। अब मुझे लगता है कि तुम हमारी सुनल को अच्छी तरह से संभाल पाओगे। ऑफ कोर्स, आप कब आई भाभी? सोचा कि चलो देवर जी को मिलकर आते हैं, लंदन से आए हैं तो देखते हैं हमारे लिए क्या क्या लाए हैं। एक्चुअली मैंने बहुत सारी चीजें देखी आपके लिए लंदन में, लेकिन मैंने सोचा कि मेरा और सोनल का मिलन ही आपके लिए सबसे बड़ा तोहफा होगा, इसलिए कोई मामूली चीज नहीं लेकर आया आपके लिए। अच्छा, बातें तो बड़ी मीठी मीठी करने लगे हो, लेकिन ऐसे बातों से चलेगा नहीं। सोनल ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि तुम उसके लिए क्या क्या लाए हो, और हमारे लिए सिर्फ दो मीठे बोल, ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा। भाभी आज तो छोड़ना ही मत, आई नो, पकड़ के रखना, बहुत दिनों के बाद हाथ में आया है। और वैसे भी ये मर्द लोग पैसे खर्च करने के मामले में बड़े कंजूस होते हैं। आई नो। अभी एक काम करते हैं, हम तीनों ना शॉपिंग करने जाते हैं, वहाँ से तुम मुझे एक गिफ्ट खरीद कर दे देना। नहीं भाभी, अभी नहीं, शादी में मैं आपको सरप्राइज गिफ्ट देने वाला हूँ। शादी में तो हम तुम्हें गिफ्ट देंगे, लेकिन अभी तो तुम्हें मुझे देनी पड़ेगी। हाँ। अरे भाभी छोड़ो, मैंने भी इसको कितनी बार कहा कि चलो हम जाके शॉपिंग करके आते। मैंने भी कितने दिनों से शॉपिंग नहीं की, तो मुझे कहता है जाओ तुम अकेले जाके शॉपिंग करके आओ। अब अकेले शॉपिंग करने में मजा आता है क्या? ये मर्द हमेशा ऐसा ही करता है। इसके लिए ना सोनल मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। इन लोगों को कभी अपने साथ आना नहीं होता है, तो मैं क्या करती हूँ, अकेली शॉपिंग करने जाती हूँ और लंबा चौड़ा बिल बनाकर आती हूँ। समीर देख के स्टंड हो जाते हैं। उसके बाद जब मैं दूसरी बार कहती हूँ कि मैं शॉपिंग करने जाना चाहती हूँ, तो समीर कहते हैं रुक जाओ मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ, तो अपना भी काम बन जाता है। बोलो क्या करना है, हम दोनों अकेले चले जाए, लंबा चौड़ा बिल बनाकर लाए। नो भाभी, मैं तो जस्ट मजाक कर रहा था, मैं आपके लिए आपका फेवरेट परफ्यूम लेकर आया हूँ। मतलब अब तक तुम मेरे साथ मजाक कर रहे थे? हाँ। समीर भैया कैसे हैं? वो तो तुम खुद आकर देखो तब पता चलेगा। अबे एक काम करते, हम सब डिनर पे बाहर जाते, तब समीर भैया से भी मिलना हो जाएगा। लेकिन समीर? समीर को मनाने की जिम्मेदारी मेरी। ओके ओके, दैट्स डन। लेकिन अभय, अब इस बार तुम दोनों को प्यार से साथ साथ रहना होगा। हाँ। अब देखो भाभी जी, मैं सात जन्म का तो वादा नहीं करता, लेकिन इस जन्म में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्यों सोनल? ओके, दैट्स ग्रेट। अब लाओ मेरा परफ्यूम लाओ। पर ओ, वो तो खरीदना है। ए, क्या? चलो। अरे अभय बेटे, आजकल तो तुम अपने काम में बहुत बिजी हो गए हो। अरे कभी कभी हमारे पास भी बैठा करो, हमसे भी कोई छोटी मोटी बातें किया करो। कहिए चंदू काका, क्या बात करनी है? देखो बेटे, अगर तुम अपने काम में इतने बिजी हो गए तो फिर सोनल बेटी के साथ वक्त कम गुजारोगे। देखो बेटा, अब तो तुम्हें एक दूसरे को समझ लेना चाहिए, ताकि पहले की नौबत फिर से ना आ जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चंदू काका, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं और सोनल हर शाम एक दूसरे के साथ गुजारते हैं,
अब रही बात एक दूसरे को समझने की, तो आपस में मेल जोल बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, शायद उससे भी समझ बढ़ती जाएगी। हाँ, पर मेल जोल इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि मेल जोल ही लगाव का कारण बन जाए। देखो बेटे, मेरे पास एक ब्रिलियंट आइडिया है, अगर तुम कहो तो सुना। मैं चाहता हूँ। अरे सुनो तो सही। क्या है? देखो बेटा, अगर मेरा कहा मानो तो तुम अपने मैरिज का इंश्योरेंस निकलवा लो। क्या? हाँ, ताकि तुम्हारा फ्यूचर सेफ हो जाए। तुम तो लंदन रह चुके हो, तुमने तो लंदन में देखा ही होगा। राइट। हालांकि वहाँ का प्रीमियम जरा ज्यादा रहता है, क्योंकि वहाँ के लोग तो कब शादी करते हैं और कब शादी तोड़ते हैं उसका ही पता नहीं चलता। आपका आइडिया बहुत अच्छा है चंदू काका, बहुत अच्छा है। लेकिन चंदू काका, वहाँ ऐसे भी इंडियंस हैं जो अंतिम सांस तक अपनी मैरिड लाइफ निभाते हैं। अब रही बात इंश्योरेंस की, तो आइडिया बुरा नहीं है। लेकिन चंदू काका, मुझे एक ब्रिलियंट आइडिया है। अच्छा? मतलब आप मेरी बात मानेंगे तो सुनाता हूँ। हाँ, क्यों नहीं। आप अपनी मूंछों का इंश्योरेंस करवा लीजिए। नहीं, मैं सही कह रहा हूँ। क्या है, कभी कभार नाई से गलती हो गई तो। अरे मूंछों का इंश्योरेंस क्या निकलवाना, और इस उम्र में मेरी मूंछों का इंश्योरेंस, अब सारी जिंदगी इस मूंछों को कुछ नहीं हुआ तो अब क्या होने वाला है। नहीं, किसी को गुस्सा आ गया और मूंछें खींच, तो छोड़ो मेरी मूंछों की बातें, आओ बैठो बैठो, हम तुम्हारी बात करें। देखो बेटे, तुम्हारे सामने सारी जिंदगी पड़ी है और तुम फिर से धोखा न खा जाओ, इसलिए मैं कहता हूँ कि ये इंश्योरेंस निकलवा लेना तुम्हारे लिए बड़ी समझदारी का काम होगा। आपको जितनी आग लगानी है लगाइए, लेकिन इस बार हम एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। इट्स अ चैलेंज। ओके, बाय। चंदू काका, आपकी मूंछों का इंश्योरेंस करवा लीजिए प्लीज। नहीं राजू, अब हम अकेले घूमने नहीं जा सकते। अरे अकेले थोड़ी ना जाना है, दुकेले जाएंगे। दुकेले मतलब? दोनों। मजाक मत करो, मैं सच कह रही हूँ। पर क्यों, बाहर कर्फ्यू लगी है क्या? ऐसी बात नहीं है, घर वाले कहते हैं कि शादी का दिन अब नजदीक आ रहा है, तो अब हमें अकेले घूमने नहीं जाना चाहिए। पर ऐसे क्यों? अरे शादी के पहले नहीं घूमेंगे तो क्या शादी के बाद घूमेंगे क्या? मतलब शादी के बाद? शादी के बाद भी घूमेंगे, मगर शादी के पहले घूमने का मजा कुछ और है। चलो। नहीं राजू, घर वाले ये कहते हैं कि अब हमें अकेले में मिलना भी नहीं चाहिए। कौन ऐसी फालतू बात करता है, मुझे नाम बताओ, सबको ठीक करता हूँ मैं। बाबूजी। ओ, तुम्हारे बाबूजी, अरविंद मामा। हाँ, नेचुरली वो तो लड़की के पिताजी हैं, तो वो तो ना कहेंगे ही। तुम पटा लो ना उन्हें, मस्का मारो, फिर से पूछो ना एक बार। नहीं राजू, अब मैं नहीं पूछ सकती, वरना वो नाराज हो जाएंगे। और मैं नाराज हो गया तो? मैं तो तुम्हें भी नाराज नहीं कर सकती। तो चलो ना। हे भगवान, मैं क्या करूँ? जो करना है तुम्हें करना है, भगवान को नहीं। ओके, मैं तुम्हारे पिताजी से बात करता हूँ। अरविंद मामा। राजू, अच्छा नहीं लगेगा, और वैसे भी अब शादी को दिन ही कितने रह गए, तुम थोड़ा सब्र नहीं कर सकते? तो शादी के पहले मेरा कोई हक नहीं बनता तुम पर क्या? इस वक्त बाबूजी का हक ज्यादा बनता है मुझ पर। ठीक है, तो मैं तुमसे बात नहीं करता जाऊँगा। ऐसा मत करो राजू। नहीं, तुम जिद कर सकती तो मैं भी कर सकता हूँ। तो ठीक है, करो जिद, मत करो बात मुझसे, और हो सके तो मुझसे मिलने भी मत आना। मिलने क्यों ना आऊं? आके क्या करोगे, बात तो करोगे नहीं तुम मुझसे, और वैसे भी घर वाले तो मना कर ही रहे हैं। ठीक है, तो बात भी करूंगा और मिलूंगा भी। क्यों, क्या हुआ, क्यों पलटी मार दी? नहीं पलटी नहीं, ये चैलेंज है। अब तो कोई लाख कोशिश करे, मैं तुमसे मिलूंगा, और अकेले में मिलूंगा, और बार बार मिलूंगा। अच्छा? हाँ। तो मेरी भी तुमसे चैलेंज है। क्या? देखती हूँ तुम मुझे कैसे अकेले में मिलने आते हो। लगी शर्त? लगी शर्त। हाँ, इस घर में आए हैं हम सपनों की वो दुनिया, सच करने आए हैं नए घर के आंगन में, कुछ सपने बोए हैं, कुछ मुरझाए, कुछ पाए, कुछ पाकर खोए हैं।
नए मौसम के रंग में हम फिर से आएंगे, एक महल नया हम तो मिलकर बनाएंगे। एक महल हो सपनों का, एक महल हो सपनों का।